यूपी के कुशीनगर जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित फर्द मुंडेरा गांव से ये मामला देखने को मिला। आपको बता दें कि पत्नी के शराब न पीने की बात कहना पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने पत्नी और मासूम बच्चे को दिल दहला देने वाली सजा दे दी। जब पत्नी और मासूम गहरी नींद में सो रहे थे, इसी दौरान आरोपी पति ने बच्चों और पत्नी पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सभी बुरी तरह से आग की लपटों के बीच कराह रहे थे और उनकी पीड़ा को देखकर पति खुश हो रहा था। वहीं इस वारदात के बाद आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह से पीड़िता और मासूमों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाने लगे। वहीं इस दौरान पत्नी की हालत बिगड़ गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ दोनों मासूम बुरी तरह से झुलस गए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि तीसरा बच्चा वारदात के समय छिप गया था, जिससे किसी तरह से उसकी जान बच गई। बताया गया कि शराब पीने से रोकने को लेकर वारदात के कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, जिसके चलते पति ने मृतका की पिटाई कर दी थी। वहीं आरोपी पति इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और आरोपी पति की तलाश फिलहाल जारी है। मट्टी के तेल गिरा के और मट्टी से सुबह के जला दिया है। हम भाग गए हैं। कौन जलाया है? क्या है तुम्हारे पापा? किसको किसको जलाया है? अम्मा को, मुस्कान को, अरुण को। कुशीनगर से जनमत न्यूज के लिए प्रदीप यादव की रिपोर्ट।